हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुखार आने पर नहाना चाहिए या नहीं। हर साल सर्दियों को मौसम में लोगों को अक्सर सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार आ जाता है। कभी इसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है जिसमें शरीर उसके अनुकूल ढल नहीं पाता है, तो कहीं इसका कारण मौसमी संक्रमण भी होता है। कई लोग यह मानते हैं बुखार में इंसान को बिल्कुल ही नहीं नहाना चाहिए। वहीं कई लोगों का मानना है कि ऐसा नियम नहीं है, बल्कि कई बुखार में नहाना फायदेमंद हो सकता है। पर आखिर सच क्या है? क्या बुखार में नहाना वाकई फायदेमंद होता है या फिर इसका उल्टा सही है? नहाना चाहिए या नहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार में किसी भी तरह का नियम नहीं कि उसमें नहाना ही चाहिए या नहाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वे कहते हैं कि बुखार में नहाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। दरअसल बुखार आने पर मरीज के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, कमजोरी सी महसूस होती है और शरीर में दर्द होता है। ऐसे में नहाने का मन नहीं करता है। क्या फायदा हो सकता है नहाने का? ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि बुखार में नहाने चाहिए भी नहीं। कई डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे बुखार में गुनगुने पानी से नहाना फायदेमंद हो सकता है। नहाने से शरीर का तापमान कम होता है और मांसपेशियों को राहत मिलती है। हल्का गर्म पानी शरीर को दर्द में भी राहत देने का काम करता है। डॉक्टर से पूछना ना भूले नहाना है या नहीं। यह फैसला करने से पहले स्पष्ट जरूर कर ले कि बुखार किस वजह से है। वो सर्दी की वजह से, किसी संक्रमण या फिर किसी तरह की मलेरिया जैसे रोग की वजह से बुखार आया है। ऐसे में डॉक्टर से एक बार यह जरूर पूछ लेना चाहिए किसी खास तरह के रोग में किस तरह से नहाना चाहिए। वहीं अगर किसी मरीज को बुखार में नहाने की हिम्मत या स्थिति ना हो तो तौलिए से स्पंज बात की जा सकती है, जैसा कि अस्पतालों भर्ती मरीजों के साथ होता है। इतना ही नहीं, बुखार में अगर नहाने की इच्छा हो और हल्का बुखार होने पर नहा भी लिया हो तो भी अपनी तबीयत पर नजर रखें कि कहीं नहाने के तुरंत बाद तो बुखार तेज नहीं हो रहा है। असामान्य महसूस होने पर डॉक्टर से इसका भी जिक्र करना ना भूलें। इस प्रकार की हेल्थ नॉलेज वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।